Hello dear friends, this is Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel E-commerce Scholar. Today's topic is problems or disadvantage of barter exchange system. आज को जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएशन, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन. जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का एंट्रेंस एग्जाम देने गया था तो मुझसे सवाल पूछा गया था. जब मैं पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम देने गया था तो ये सवाल पूछा गया था. मतलब हमें लगता है कि ये बहुत छोटा सा कॉमन सा सवाल है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ बटर एक्सचेंज सिस्टम, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है क्योंकि बड़े बड़े लेवल्स में आपसे ये छोटी छोटी बातें पूछी जाती है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और द डिसएडवांटेजेस ऑफ बटर एक्सचेंज, जहां से हमें ऐसा महसूस होने लगा कि हमें पैसे की कहीं ना कहीं जरूरत है, हमें दूसरे एक्सचेंज सिस्टम की जरूरत है. बटर एक्सचेंज में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी. तो डिसएडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, शुरुआत करते हैं. पहला है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. सबसे पहली प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. इसका मतलब द वॉन्ट्स ऑफ टू पर्संस हु डिजायर टू एक्सचेंज गुड्स मस्ट कोइंसाइड. फॉर एग्जांपल, इफ पर्सन ए वॉन्ट्स टू अक्वायर शूज इन एक्सचेंज फॉर वीट, देन ही मस्ट फाइंड अनदर पर्सन हु वॉन्ट्स वीट फॉर शूज. सबसे बड़ी प्रॉब्लम बार्टर एक्सचेंज की थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. इसका मतलब ये कि मुझे जो चीज की जरूरत है और सामने वाले को भी अगर उसी चीज की जरूरत है तो हम चीजों को एक्सचेंज नहीं कर पाते थे. मान लीजिए एक आदमी है मिस्टर ए और दूसरे आदमी है मिस्टर बी. तो यहां पे इन्होंने कहा है कि द वॉन्ट ऑफ टू पर्सन्स हु डिजायर्स टू एक्सचेंज गुड्स मस्ट कोइंसाइड. एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन ए वॉन्ट्स टू अक्वायर शूज, मिस्टर ए को चाहिए शूज इन एक्सचेंज ऑफ वीट. देना क्या चाहते हैं, एक्सचेंज क्या करना चाहते हैं, वीट. देन ही मस्ट फाइंड अनदर पर्सन हु वॉन्ट्स वीट फॉर शूज. तो इन्हें ढूंढना पड़ता था कि ऐसा कौन सा इंसान है जो वीट लेकर के इनको वापस शूज देगा. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों के पास जब जाते और किसी को बोलते कि भैया आप वीट ले लीजिए हमसे और बदले में हमें शूज दे दीजिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे चांसेस होते थे कि ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता था. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब शूज मुझे भी चाहिए, अगर मुझे शूज नहीं चाहिए होगा तो मैं शूज आपको देकर के आपसे वीट ले लूंगा. लेकिन ज्यादातर टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं होता था कि आपको ऐसा इंसान मिले जहां पे आपकी चीजों को एक्सचेंज करे उस चीज से जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है. सेकेंड वन इज एबसेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. इसका मतलब द एबसेंस ऑफ अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू क्रिएट्स ग्रेट प्रॉब्लम बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड टू स्ट्राइक अ बार्गेन. बहुत समय हो जाता था, बहुत टाइम लगता था, कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होता था. अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में 40,000 वेराइटीज ऑफ राइस है जिसकी जो प्राइसेस है वो 10 रुपए से वैरी करते करते 1,000 रुपए 2,000 रुपए किलो तक पहुंच जाता है. तो आप क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी से आप कैसे एक्सचेंज करेंगे, क्वालिटी से कैसे बार्गेन करेंगे. अगर मैं एप्पल की बात करूं तो एप्पल 100 रुपए किलो भी मिलता है, 500 रुपए किलो भी मिलता है. हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि हमने इस चीज को एप्पल से एक्सचेंज किया, क्योंकि बार्टर एक एक्सचेंज सिस्टम था. आप ये भी तो देखिए कि एक एप्पल 100 रुपए किलो मिल रहा है, दूसरा एप्पल 200 मिल रहा है, तीसरा एप्पल 300 मिल रहा है, चौथा एप्पल, जो वेराइटीज है एप्पल की 400 रुपए किलो 500 रुपए किलो. हो सकता है कि आपको कुछ बार एक्सचेंज करने में 1 किलो एप्पल मिल जाए, हो सकता है कि 1 एप्पल भी ना मिले. तो ये कॉमन मेजर की बड़ी प्रॉब्लम होती थी. सिंस देर इज नो कॉमन मेजर इन द टर्म्स ऑफ विच द वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, द प्रॉब्लम अराइजेस हाउ मच वीट शुड बी एक्सचेंज फॉर हाउ मच पेयर ऑफ शूज. कि आप कितना वीट देंगे और उसके बदले में आपको कितने शूज मिलेंगे. इन्होंने बोला देर वॉज नो कॉमन मेजर. आप इतना वीट देंगे, आप इतना वीट देंगे, आप एक थैला एक बोरा कितना वीट देंगे जिसके बदले में आपको पेयर ऑफ शूज मिलेगा. आप शूज खरीदने जाइए तो 200 रुपए से लेकर के हो सकता है 20,000-50,000 रुपए की भी आपको शूज मिले. तो आप कौन सा शूज खरीद रहे हैं, उसके बदले में आपको कितना देना है. दिस वॉज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम. इनफैक्ट अंडर द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम एवरी गुड मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ एवरी अदर गुड्स. बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का जो सबसे बड़ा फैक्ट है जिसे हमें समझना है वो ये है कि हम गुड्स को दूसरे की गुड्स से कंपेयर करते थे, एक्सप्रेस करते थे, वैल्यू करते थे कि हमारे गुड्स की वैल्यू इतनी है, आपके गुड्स की वैल्यू इतनी है, चलिए एक्सचेंज करते हैं. लेकिन हो सकता है कि सामने वाला बार्गेन करके आपके गुड्स की वैल्यू कम कर दे, क्योंकि पैसे होते नहीं थे तो हम चीजों की वैल्यू कम कर देते थे कि हाँ आप इसको थोड़ी और क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, बदले में हम आपको दे देंगे जो भी आपको चाहिए. तो दिस वॉज द सेकेंड बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर एक्सचेंज, दैट इज द एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. थर्ड करेंगे फिर फोर्थ पे आएंगे.
लैक ऑफ डिविजिबिलिटी. लैक ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब होता है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब होता है अनदर डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम रिलेट्स टू द फैक्ट दैट ऑल द गुड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड. तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था कि लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, हम चीजों को डिवाइड नहीं कर सकते थे, हम हर चीज को डिवाइड नहीं कर सकते थे. इन्होंने कहा कि जो अगला प्रॉब्लम था बार्टर एक्सचेंज का, दैट इज रिलेटेड टू द फैक्ट दैट ऑल द गुड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड. जैसे इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज अ प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन अ बिग इंडिविजिबल कॉमोडिटी इज टू बी एक्सचेंज फॉर अ स्मॉलर कॉमोडिटी. एक बड़ी चीज को आप छोटी चीज से या छोटे वैल्यू में या छोटी क्वांटिटी में एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ अ हॉर्स इज इक्वल टू 10 शर्ट्स, देन अ पर्सन हैविंग वन शर्ट कैन नॉट एक्सचेंज इट फॉर द हॉर्स बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड द हॉर्स इन स्मॉल पीसेज विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स यूटिलिटी. मतलब समझ में आ गया होगा कि इसको ऐसे समझते हैं, शर्ट्स के जगह अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं शीप्स या गोट्स का, कि एक हॉर्स है और एक्सचेंज वैल्यू दैट इज इक्वल टू 5 goats. लेकिन एक्सचेंज करने के टाइम इन्होंने बोला कि मैं 5 goats दूंगा, इन्होंने बोला मैं एक हॉर्स 5 goats के बदले में. तो अगर ये इंसान ये वैल्यू करते हैं कि आप मुझे 5 से ज्यादा goats दीजिए, और ये जो गोट वाले इंसान है मिस्टर बी, ये कहते हैं कि नहीं भैया हम 5 से ज्यादा goats नहीं देंगे. और मान लीजिए कि यहाँ पे चीजों को डिवाइड करने की बात हो रही है, इन्होंने बोल दिया कि हमको ज्यादा चाहिए, तो हम 6th goat वो देना नहीं चाह रहा, तो हम 5.5 goats तो कर नहीं सकते कि भैया आधी और बकरी आप ले लीजिए हमसे, ये तो पॉसिबल नहीं है. या तो हम 5 goats देंगे तो आप आधा आधा अधूरा घोड़ा हमको दीजिए. इन्होंने यही बात बोली है कि हम चीज़ों की यूटिलिटी डिस्ट्रॉय किए बिना हम उस चीज़ को हम बांट नहीं सकते थे, बड़ी प्रॉब्लम होती थी हमारे साथ. तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, या तो आप हॉर्स को डिवाइड कर दीजिए या तो गोट्स को डिवाइड कर दीजिए. ये आधी बकरी लेने का क्या मतलब है, या घोड़े का कुछ पार्ट न लेने का क्या मतलब है, मतलब इट डज नॉट क्रिएट एनी सेंस. तो इन्होंने ये बोला कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी कि एक घोड़े के बदले में 10 shirts, अगर एक शर्ट चाहिए तो आप घोड़े को डिवाइड कीजिए, कैसे आप घोड़े को डिवाइड कीजिएगा. तो दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, कई बार ये प्रॉब्लम होती. पॉइंट नंबर 4 इज द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ. इनका कहने का मतलब है कि अंडर अ बार्टर सिस्टम देर इज एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर एंड कन्वीनियंट मीन्स ऑफ स्टोरिंग वेल्थ और वैल्यू. बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में हम वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकते थे. वेल्थ का मतलब एनीथिंग विच जनरेट्स मनी. वेल्थ आपने बचपन में पढ़ा होगा, नॉलेज इज वेल्थ. तो जो डॉक्टर होता है, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो अपने नॉलेज का जो वेल्थ है उसी से वो पैसे अर्न करते हैं. तो कोई भी चीज वेल्थ के फॉर्म में वो आपको पैसे जनरेट करके देती है. तो इन्होंने बोला कि प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग ऑफ वेल्थ अंडर अ बार्टर सिस्टम देर इज एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एंड कन्वीनियंट मीन्स ऑफ स्टोरिंग वेल्थ और वैल्यू. किसी भी वैल्यू को या किसी भी वेल्थ को आप स्टोर नहीं कर सकते थे. इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले हैं. पहला पॉइंट बोला है, एज अपोज टू स्टोरिंग ऑफ जनरलाइज्ड परचेसिंग पावर इन द फॉर्म ऑफ मनी इन मॉनेटरी इकोनॉमी. मॉनेटरी इकोनॉमी में क्या होता है, आज के टाइम पे क्या होता है कि जो जनरलाइज्ड परचेसिंग पावर है, जो हमारे देश की करेंसी है, जो भी रुपीज है, जो भी पैसे हैं, उसे हम स्टोर तो कर लेते हैं. द इंडिविजुअल्स हैव टू स्टोर स्पेसिफिक परचेजिंग पावर इन द फॉर्म्स ऑफ हॉर्सेस. उसके पहले बार्टर एक्सचेंज में क्या होता था कि लोग पैसे तो होते नहीं थे, तो लोग घोड़े के फॉर्म में, शूज के फॉर्म में, वीट के फॉर्म में, जो भी कॉमोडिटी होती है उसके फॉर्म में उसको स्टोर करते थे. अंडर द बार्टर एक्सचेंज सिस्टम विच में डिक्रीज इन वैल्यू इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ड्यू टू फिजिकल डिटेरियरेशन और द चेंज इन टेस्ट. इन्होंने बोला है कि बार्टर एक्सचेंज टाइम में इसकी वैल्यू उल्टा घट जाती थी, क्योंकि घोड़ा आज घोड़ा 10 साल का है तो 10 साल के बाद हो सकता है घोड़ा बूढ़ा हो जाए या बीमार पड़ जाए, उसकी वैल्यू कम हो जाए. शूज आज के टाइम पे एकदम नया है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, आप उसको कब तक स्टोर करके रखेंगे, 1 साल 2 साल 5 साल. हो सकता है कि 5 साल के बाद उसकी डिमांड ना हो, कोई दूसरे शूज की डिमांड हो जाए. हो सकता है कि 5 साल के बाद वो शूज रखे रखे खराब हो जाए. वीट आप कितने समय तक स्टोर कर सकते हैं. वीट इज अ कॉमोडिटी विच इज पेरिशेबल इन नेचर, कुछ समय के बाद रखे रखे खराब हो जाएगा. तो इन्होंने बोला है कि हम ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम इसे स्टोर नहीं कर सकते थे जैसे हम पैसे को स्टोर कर सकते हैं. पॉइंट नंबर बी के बारे में बोल रहे हैं, इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू स्टोर स्पेसिफिक गुड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. किसी भी चीज को बड़े लंबे समय तक स्टोर करके रखना बहुत एक्सपेंसिव होता था. आप किसी गोडाउन में किसी जगह पे अगर आप किसी सामान को लंबे समय तक स्टोर करेंगे तो बदले में आपको रेंट देना पड़ेगा, ये बड़ा एक्सपेंसिव हुआ करता था. आज के टाइम में इंडिया में 2000 रुपए की करेंसी है, इंसान 1 लाख रुपए पॉकेट में लेकर के घूमते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप 1 लाख रुपए लेकर के घूम रहे हैं. लेकिन अगर उसी चीज को 1 लाख रुपए को अगर आप
कॉमोडिटी में कन्वर्ट करें और किसी जगह पे स्टोर करें, आपने 1 लाख रुपए के राइस खरीद लिए तो आपको स्टोर करना पड़ेगा और इस समय इस हिसाब से स्टोर करना पड़ेगा कि वो लंबे समय तक ठीक रहे, लंबे समय तक उसकी कोई ना कोई वैल्यू रहे और लंबे समय के बाद आप उसे एक्सचेंज करवा सकें। तो इन्होंने सेकंड पॉइंट में ये बात बोली कि बहुत एक्सपेंसिव होता था किसी भी स्पेसिफिक गुड को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। थर्ड पॉइंट है, अगेन द वेल्थ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक गुड्स मे क्रिएट जेलेसी एंड एनिमिटी अमंग द नेबर्स और रिलेटिव्स। आज भी होता है। इनके कहने का मतलब ये कि अगर आपने लंबे समय तक अगर किसी भी चीज को स्टोर करके रखा तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सब आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपसे झगड़ा कर लेंगे, आप मतलब जलना शुरू कर देंगे, जेलेसी उनके अंदर आ जाएगी कि देखो कितना उन्होंने अपने पास चीजें स्टोर करके रखी है। तो पहले के टाइम आप पुरानी पिक्चरों में देखते थे ना, लोग खेत में घुस करके आग लगा देते थे, तो उनके दिमाग में भी ये इंटेंशन जाएगा उसके गोडाउन में आग लगा दूं, कैसे अमीर बन रहा। तो पहले के टाइम पे ये प्रॉब्लम हुआ करती थी, आज के टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बार्टर एक्सचेंज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब सिक्स्थ कहां से आ गया, सब उल्टा पुल्टा, सॉरी। फिफ्थ वन इज डिफिकल्टी ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड का मतलब विच इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, जो भविष्य के पेमेंट्स हैं, जिसे आपको भविष्य में पे करना है, फ्यूचर में पे करना है। तो बार्टर एक्सचेंज डज नॉट प्रोवाइड अ सेटिस्फैक्ट्री यूनिट इन द टर्म्स ऑफ विच द कॉन्ट्रैक्ट्स अबाउट द डिफर्ड, दैट इज द फ्यूचर पेमेंट्स आर टू बी रिटर्न। बार्टर एक्सचेंज में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता था जहां पे आप जो फ्यूचरिस्टिक पेमेंट है उसे आप किस फॉर्म में पे करेंगे, क्योंकि पहले के टाइम कोई करेंसी या मनी कुछ होता नहीं था। तो बार्टर एक्सचेंज ने इन्होंने बोला है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आप फ्यूचरिस्टिक पेमेंट कैसे करें। इन एन एक्सचेंज इकॉनमी मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेट टू फ्यूचर एक्टिविटीज एंड फ्यूचर पेमेंट्स। एक्सचेंज इकॉनमी में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते थे, बिल्कुल होते थे, कि जहां पे आप फ्यूचर पेमेंट करेंगे, मैं आपके यहाँ काम करूंगा, बदले में आप इतने समय के बाद मुझे ये इतनी चीजें देंगे, या ये गुड्स मैं आपको आज के रेट में दे रहा हूँ, अच्छा 1 साल के बाद 2 साल के बाद आप बदले में आप मुझे इतना देंगे। तो जो डिफर्ड पेमेंट का सिस्टम होता था बार्टर एक्सचेंज में, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम फ्यूचरिस्टिक पेमेंट किस बेसिस पे करें। अंडर बार्टर सिस्टम फ्यूचर पेमेंट्स आर रिटन इन द टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, कोई भी स्पेसिफिक गुड्स है उसके बाद उस फॉर्म में फ्यूचर पेमेंट्स किए जाते थे। लास्ट प्रॉब्लम थी बार्टर एक्सचेंज की, दैट वॉज द ट्रांसपोर्टेशन। अनदर डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम इज दैट गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड कन्वीनियंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आज के टाइम पे नेफ्ट होता है, आरटीजीएस होता है, आप लाखों लाखों रुपए एक बार में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन द रियल टाइम। यहाँ क्लिक किया वहां पैसा पहुंच गया, यहाँ आपने ओके किया वहां पैसा ट्रांसफर हो गया। तो हम बहुत अच्छा खासा अमाउंट आज के टाइम पे हम दुनिया के किसी कोने में भेज सकते हैं। आजकल हमारा जो ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम हो गया, उसमें आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो, कहीं पे भी कितना भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो। तो पहले के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता था कि मान लीजिए कि हमने कहीं गांव से गाय के बदले में चावल एक्सचेंज किया, राइस एक्सचेंज किया, तो होता क्या था कि राइस पहुंचाना पड़ता था और बदले में वहां से गाय भैंस काऊ बफेलो लेकर के आना पड़ता था, वो बड़ी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती थी। तो ये थी प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट इजी एंड विदाउट रिस्क फॉर एन इंडिविजुअल टू टेक हीप्स ऑफ व्हीट और हर्ड ऑफ कैटल टू डिस्टेंट मार्केट टू एक्सचेंज देम विद अदर गुड्स। यही बात इन्होंने इंग्लिश में लिखी है। With the use of money, the inconvenience or the risk of transportation are removed. तो जब पैसे हमारे पास आ गए तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था, ये चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, ये जो भी प्रॉब्लम्स थी ये दूर हो गई। तो ये था, these are the major drawbacks or the disadvantages or the problems of barter exchange system. Hope आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।